एक आदमी ने एक बहुत ही खूबसूरत लड़की से शादी की। शादी के बाद दोनों की जिंदगी बहुत प्यार से गुजर रही थी। वह लड़का उसे बहुत चाहता था और उसकी खूबसूरती की हमेशा तारीफ किया करता था। लेकिन कुछ महीनों के बाद लड़की चरम रोग से पीड़ित हो गई और धीरे धीरे उसकी खूबसूरती जाने लगी। खुद को इस तरह से देख उसके मन में डर समाने लगा कि यदि वह बदसूरत हो गई तो उसका पति उससे नफरत करने लगेगा और वह उसकी नफरत बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। इस बीच एक दिन उसके पति को किसी काम से शहर से बाहर जाना पड़ा। काम खत्म कर जब वह घर वापस लौट रहा था तो उसका एक्सीडेंट हो गया और एक्सीडेंट में उसने अपनी दोनों आंखें खो दी। लेकिन इसके बावजूद भी उन दोनों की जिंदगी सामान्य तरीके से आगे बढ़ती रही। समय गुजरता रहा और अपने चरम रोग के कारण लड़की ने अपनी खूबसूरती पूरी तरह से गवा दी। वह बदसूरत हो गई लेकिन उसके अंधे पति को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका उनके खुशहाल विवाहित जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वह लड़का उसे उसी तरह प्यार करता रहा और कुछ समय ऐसे ही बीत जाता है और आखिरकार एक दिन उस लड़की की मौत हो जाती है। पति अब अकेला हो गया था। वह बहुत दुखी था। वह उस शहर को छोड़कर जाना चाहता था। उसने अपनी पत्नी का अंतिम संस्कार किया और शहर छोड़कर जाने लगा। तभी एक आदमी ने पीछे से उसे पुकारा और पास आकर कहा, अब तुम बिना सहारे के अकेले कैसे चल पाओगे? इतने साल तो तुम्हारी पत्नी तुम्हारी मदद किया करती थी। पति ने जवाब दिया, दोस्त मैं अंधा नहीं हूँ, मैं बस अंधा होने का नाटक कर रहा था, क्योंकि यदि मेरी पत्नी को पता चल जाता कि मैं उसकी बदसूरती देख सकता हूँ तो यह उसे उसके रोग से ज्यादा दर्द देता, इसलिए मैंने इतने साल अंधे होने का दिखावा किया। वह बहुत ही अच्छी पत्नी थी, मैं बस उसे खुश रखना चाहता था। दोस्तों, खुश रहने के लिए हमें भी अपनी पत्नी या पति की कमियों को ढांप देना चाहिए और उसे नजरअंदाज कर देना चाहिए, ताकि हमारा विवाहित जीवन खुशहाल रह सके, क्योंकि पति पत्नी का सच्चा प्यार सभी कमियों को ढांप देता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।